रीवा जिले में शायद ही कोई ऐसा थाना होगा जहां शासन सत्ता और पैसे के दबाव में झूठे प्रकरण दर्ज किए जा रहे हों। इनका डंस नेता पत्रकार से लेकर आम जनता भुगत रही है। कहीं राजनीतिक दबाव तो कहीं नोटों की हरी गड्डियां देशभक्त जनसेवा की शपथ को भुला देती हैं। ऐसा ही मामला समान थाना क्षेत्र से प्रकाश में आया है, जहां नेहरू नगर निवासी माँ बेटी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता अर्चना पटेल ने बताया कि वह अपने पिता के घर में विगत 20 वर्षों से रह रही है, लेकिन उनके भाई भाभी उसे घर से निकालना चाहते हैं। उसके पति विकलांग है, बेटी भोपाल में रहकर पीएससी की तैयारी कर रही है। मारपीट करने वालों ने उनके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करा दी तो पुलिस ने भी बिना जांच पड़ताल के ही उनकी बेटी के नाम से भी FIR दर्ज कर लिया। हद तो तब हो गई जब सोने घर में पुलिसकर्मी पहुंचे और बदसलूकी की। पीड़ितों ने बताया कि बेटी भोपाल से रीवा आई थी, जिसकी जानकारी लगते ही पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी और जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाना चाह रही थी। पीड़ित मीडिया को वीडियो उपलब्ध कराते हुए कहा कि बेटी का भविष्य बर्बाद करने की नियत से उसका भाई प्रदीप पटेल, जो पटवारी है, उसकी औरत और अन्य लोगों ने झूठे मामले दर्ज कराए हैं। उल्टा मारपीट करने वालों ने ही झूठे मामले दर्ज करा दिया, जिससे उन्हें डर है कि उनकी हत्या करवाई जा सकती है। दिखाते हैं उक्त वीडियो जो पीड़ितों के द्वारा मीडिया को उपलब्ध कराए गए हैं और सुनाते हैं पीड़ित अर्चना पटेल को उनका क्या कहना है। ये करो, तुम तो साइन कर दो बस बेटा, कुछ नहीं है, तुमको जबरदस्ती मारने का नहीं, कल आके लिए कोई नहीं, कोई नहीं, तो साइन करने क्या है, साइन करने कल आ जाएगी मम्मी। कैसे जबरदस्ती कर रहे हैं घर में घुस के सर? हेलो, साइन कर दो भी तो ठीक रहेगा, तुमको यहीं छोड़ दूंगा। कोई अरे करवाई नहीं कर दे दीदी, समझे, चूंकि साइन वाली बात है। अच्छा तुम कल आना, अरे वो जबरदस्ती पकड़ के ले जा रहे हैं सर। पुलिस होती है लेकिन सुरक्षा के लिए होती है, मेंटली टॉर्चर करने के लिए नहीं होती है। अच्छा बात नहीं, पहले तुमको बात कर ले, बात कर रही है, 2 मिनट जब तक करो, 2 मिनट रुक जाइए। जबरदस्ती, हाँ जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा मुझको सर। अपराधी नहीं है इसमें, आरोप मर्डर नहीं की हूँ सर, मैं मर्डर नहीं की हूँ मैं, यही ना समझा रहा हूँ कि मर्डर करी होगी। एक तो सर आप लोग भगवान रखे हैं, जूते पहन के आ गए, अभी मैं पोछा लगाऊंगी। देखो इसी बदौलत तुम्हारी मम्मी बदौलत तुम लोग फंस गई हो, जान बूझ के फंसी हो, यही तुम्हारी वचन व्यवहार की बदौलत, सिर्फ व्यवहार की बदौलत। नहीं क्या व्यवहार की बदौलत सर, हम तो आपसे ऊंची आवाज से बात नहीं कर रहे, हम यही बोल रहे हैं। पहले बात सुन, तुम क्या बोले, फिर से बोल क्या बोले? कुछ नहीं, चलो इतना पैसा दिया है, मैं नहीं दिया। अरे सर नहीं पकड़ सकते सर, कुछ नहीं दिया। एक मिनट मम्मी का बात करो, फोन आ गया, मम्मी फोन आ गया ना, फोन आ गया, फोन आ गया, बात कीजिए आप, कॉल आना मेरा। सर प्लीज, सर प्लीज, दो मिनट कुछ नहीं है, फोटो खींचो, कागज की फोटो खींचो। अरे आप मेरे को फोटो खींचो, हाँ बिल्कुल, दो मिनट, अरे सब कुछ खींच लो सर, सर 2 मिनट थाने बैठा दूंगा। सुनिए तो सर, लो इधर लो बेटा, साइन करो, तुम फोटो खींचो सर, 1 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, मम्मी से बात तो कर लीजिए, लास्ट बात तो कर लूंगा। ये मोबाइल रखो, फोन छोड़िए मैं छोड़ दूंगी। मेरा नाम है अर्चना पटेल, मैं नेहरू नगर में रहती हूँ। नेहरू नगर में एक पैतृक मकान है मेरे पिताजी का, उसमें विगत 20 वर्षों से रह रही हूँ। हम लोग 3 भाई 3 बहन हैं। हिस्सा बांट बंटवारा को लेके न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन चल रहा है। अब इसी बीच में हमारे भाई भतीजे लोग हमको घर से निकालने के लिए तरह तरह की हमारे साथ यातनाएं कर रहे हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा पूरा संलिप्त कर लिए। सामान हमारा थाना लगता है, पुलिस समान थाना है, उसमें TI साहब जो है SK गुप्ता जी, वो एक पक्षी कार्रवाई कर रहे हैं। दिनांक 16 जून को हमारे घर में घुस के मारपीट किए। हमारी बच्ची उस दिन भोपाल जा रही थी, भोपाल में ही मेरी बच्ची आज 7 सालों से रह के PSC की तैयारी कर रही है। भोपाल जा रही थी, जब इनको पता चला कि हमारी लड़की जा रही, तो हमारे घर के पीछे साइड से हमारा भतीजा प्रदीप पटेल पटवारी, जो गुड़ तहसील में है, उसकी पत्नी साक्षी पटेल, बहन वर्षा पटेल और चाची उर्मिला पटेल, चारों लोग आके हमारे साथ मारपीट किए। इसके बाद जब मैं थाने में गई शिकायत दर्ज कराने के, साहब हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो थानेदार बोले कि क्यों रहते हो, उनका घर है तो उनके घर में क्यों रहते हो? हम बोले हमारे पिताजी का घर है साहब, हम कहाँ जाएं, हमारे पति पैरालिसिस से विकलांग, हम कहाँ जाएं, हम उस घर में 20 सालों से रह रहे हैं।
बोले घर नहीं खाली करोगे तो यही होगा। फिर पुलिस एमएलसी कराई, साधारण कुछ भी नहीं आए। इसके बाद 10 बजे रात, घटना 7:15 की है, 10 बजे रात इन्होंने FIR दर्ज की, हमारी बच्ची का भी नाम उसमें संलिप्त कर दिए, जिसमें हम निवेदन करते गए कि हमारी लड़की कोई मारपीट नहीं करी, हमारी लड़की का नाम मत लिखिए, वो उसका भविष्य खराब हो जाएगा, PSC की तैयारी कर रही है। लेकिन एक भी नहीं सुने, बाहर निकले, हमारे पटवारी से मिले गुप्ता जी, वहाँ से फ़ोन किया, इधर हमारा FIR दर्ज हो गया। इसकी जांच के लिए हमने SP साहब को दी, एडिशनल SP को दी, IG को दी, आज तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अभी CSP के यहाँ जाँच विचाराधीन चल रही है। और परसों मैं नहीं थी, घर से बाहर थी, मैं कानपुर में थी, मेरी बेटी घर में थी, 5-6 लोग पुलिस वाले आए, बच्ची के एक जितेंद्र मिश्रा थे, श्रीकांत तिवारी थे और मसूद खान थे, 2 लोगों का नाम नहीं मालूम मुझे, 5 लोग थे। ये लोग घर में घुस के बच्ची का हाथ पकड़े, घसीटते हुए हम लेके जाएंगे, हमारे पास इसकी वीडियो है, बच्ची इतना की रख दी दूर बना के, वीडियो बनाने लगी तो उसके हाथ से छुड़ा ले, तो मोबाइल ऐसे रख दी, तो वीडियो बनी। हाँ, मैं थाना प्रभारी से मिले, थाना प्रभारी बोलना जो करना हो आप कर लो, हम चलान पेश करेंगे, इसलिए हमने दस्तखत किया है। अब आज वो हमको फोन किया कि हम चलान पेश कर रहे हैं। हमारे साथ थाना प्रभारी और पुलिस कर्मियों से मैं इतना प्रताड़ित हूँ कि ये किसी दिन मेरा मर्डर करवा देंगे।